हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस आज के इस वीडियो में इस तरीके की वायरलेस हेडफोन को रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ। गाइस इसे कैसे रिपेयर करते फुल टोन इस वीडियो में दी है मैंने, तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले इस तरीके से खोल लेना है, आपको आराम से ही खोलना है ताकि इसमें से लगी कुछ भी टूटे ना। और गाइस आप इसका सर्किट बोर्ड देख सकते हो, छोटी सी सर्किट लगाए रहते हैं और हमें डायरेक्टली दिख रहा है इसका जो एयरफोन का कनेक्शन है वो टूटा हुआ है। तो गाइस हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली हमें इसको पहले की तरह इसमें लगा लेना है जिससे पता ना चले कि यह रिपेयर किया हुआ है या नहीं। उसके बाद हमें वीडियो में दिखाई गए अनुसार इसे डाल लेना है, आराम से खींच कर इसे टाइटली कर देना है। गाइस फाइनली मैंने इसे पहले की तरह कर दिया है, अब हमें इसके टर्मिनल पर जो इसके वायर हैं इस पर सोल्डरिंग कर लेनी है। गाइस सोल्डरिंग करते समय आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि जो टर्मिनल्स हैं सर्किट के वो शॉर्ट ना होने पाए। गाइस अगर सर्किट शॉर्ट हो जाएगा तो इसकी साउंड क्वालिटी बेकार हो जाएगी, बहुत स्लो ही आवाज़ सुनने को मिलेगी। तो गाइस आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से आप कनेक्शन कर देंगे तो आपकी जो साउंड क्वालिटी अच्छी मिलेगी, लेकिन ध्यान रहे इसे शॉर्ट ना होने पाए। गाइस अब मैं इसे फटाफट इसे पैक कर देता हूँ। गाइस अच्छे से आपको इसे पैक करना है जिससे कि उठी हुई कहीं पर दिखे ना। चलिए ब्लूटूथ इसका ऑन कर लेते हैं। ब्लूटूथ ऑन हो चुका है, फटाफट मोबाइल में कनेक्ट भी कर लेंगे। गाइस कनेक्ट हो चुका है, अब हम इसकी साउंड क्वालिटी आपको सुनाते हैं। गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक्स और चैनल पर नया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।